गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप सभी को पता है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी में तो एक्चुअली मल्टीविटामिन्स, आयरन, कैल्शियम सभी खाया जाता है, लेकिन क्वेरी यही होती है कि अब डिलीवरी हो चुकी, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, अब हमें कौन सी दवाइयाँ खानी है, कितने दिन तक खानी है, एंटीबायोटिक्स लेनी है कि नहीं, तो आज ये क्वेरी मैं आपकी दूर कर देती हूँ। सबसे पहले बात करूंगी सिजेरियन की। सिजेरियन के टाइम पे 3 से 5 दिन के बाद में आपको डिस्चार्ज किया जाता है। जब तक आप अस्पताल में होते हैं आपको IV एंटीबायोटिक्स दी जाती है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। फिर जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो सभी पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि अब घर पे क्या लेना है और क्यों लेना है। तो आपको अगर सिजेरियन है तो एंटीबायोटिक्स घर पे भी मिनिमम 5 से 7 दिन की दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी। अगर आपका पहले भी सिजेरियन है, ये सेकेंड या थर्ड सिजेरियन है, अगर आपका फैट नॉर्मल से ज्यादा है, अगर आपके टाँकों में हल्की सी भी हमको सूजन लगती है, कई बार बहुत देर तक जब नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल के बाद सिजेरियन किए जाते हैं तो इन्फेक्शन का चांस नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार ये एंटीबायोटिक 7 दिन से एक्सटेंड होकर मैक्सिमम 10 डेज तक भी दी जाती है। तो जब भी आप डिस्चार्ज होंगे आपको दी जाएगी एक एंटीबायोटिक की गोली। एंटीबायोटिक की गोली मैक्सिमम जो रूटीन एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो सुबह शाम की डोज होती है। आपको ध्यान रख के नॉर्मली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद और रात को डिनर के बाद लेना है। कई बार जो मेरी डिलीवरी पेशेंट्स घर जाते हैं वो मुझे यही कहते हैं कि 2 बजे तक हमने कुछ खाया ही नहीं, हम उठे ही नहीं, तो हमने अपनी मेडिसिन नहीं ली। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यदि आप मॉर्निंग की डोज इतनी लेट लेंगे तो रात की कब लेंगे, और एंटीबायोटिक में एक फिक्स्ड 12 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा उन्हें यही बोलती हूँ कि सुबह उठते ही आप चाय, बिस्किट, दूध, थोड़ा सा उपमा, पोहा, 4 बादाम कुछ भी खा के अपनी एंटीबायोटिक की टैबलेट जरूर टाइम पे लें, अदरवाइज ये इंटरवल बिगड़ जाएगा। और एंटीबायोटिक ही वो चीज है जो हमारे टाँकों की हीलिंग में सबसे ज्यादा असर डालती है। तो इसलिए यदि आपको BD डोज दी है तो मॉर्निंग 9 o'clock, रात को 9 o'clock। यदि आपको TDS दिन में 3 बार डोज दी है तो मॉर्निंग 9 o'clock, दोपहर को 3 या 4 बजे, रात को 11 बजे। ये तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसके आधे पौने घंटे बाद में आपको अपनी टैबलेट लेनी। सेकेंड टैबलेट देते हैं हम पेन किलर्स। जब तक आप रहते हैं तब तक आपको IV पेन किलर्स दिए जाते हैं तो इतना आपको पेन महसूस ही नहीं होता, लेकिन जब घर जाने वाले होते हैं सबसे बड़ी एंग्जाइटी यही होती है, क्या हमारे दर्द को रोकने के लिए कुछ दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। तो पेन किलर्स नॉर्मली सुबह शाम, बहुत ज्यादा पेन हो तो हम कहते हैं कि दिन में 3 भी ले सकते हैं। इसको भी आप सुबह अपने ब्रेकफास्ट के बाद में अपने एंटीबायोटिक की टैबलेट ली, उसके आधे घंटे के बाद में आप अपना पेन किलर ले लीजिए। दोपहर को यदि आपको लगता है कि फीड कराने के चक्कर में, उठने के चक्कर में पेन ज्यादा हो रहा है, आप दोबारा उसे दोपहर को ले सकते हैं, अदरवाइज रात को 8-9 बजे या तो डिनर के पहले ले लीजिए, फिर डिनर कर लीजिए और उसके बाद अपनी एंटीबायोटिक की डोज ले लीजिए। जो बिल्कुल जरूरी टैबलेट है वो है एंटीबायोटिक एंड द सेकेंड वन इज पेन किलर। साथ में हम लोग देते हैं एक एंटासिड, क्योंकि इन दोनों ही टैबलेट्स की वजह से आपको एसिडिटी बनती है, प्लस स्लीप पूरी नहीं होती, खाना ढंग से नहीं खाया जाता तो भी बनती है। तो आप एंटासिड की टैबलेट भी सुबह शाम अपनी ले सकते हैं। कोई भी टैबलेट लेनी है, एक गोल्डन रूल है कि खाने के आधे पौने घंटे पहले या आधे पौने घंटे बाद। साथ में कोई भी 2 टैबलेट नहीं ली जाती, दोनों टैबलेट्स के बीच में भी आधे घंटे का रखना होता है गैप। फिर आती है क्वेरी कि क्या आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन नहीं देंगी मैडम? तो उसकी क्वेरी है, क्योंकि 5-7 दिन तक आप एंटासिड लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, जो पेन किलर्स लेते हैं उससे बहुत ज्यादा एसिडिटी ऑलरेडी बनती है, आपकी भूख मर जाती है। तो मैं नॉर्मली यही प्रेफर करती हूँ कि जो आयरन कैल्शियम की टैबलेट है या मल्टीविटामिन है, दैट आई गिव आफ्टर 10 डेज। 10 दिन तक आप रिकवर कर जाते हैं, पानी अच्छे से पीना शुरू कर देते हैं, आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बर्पिंग, बेल्चिंग नहीं आती। अदरवाइज अगर हम उसी समय चालू कर देंगे, आप 5-6 गोलियां अगर पर दिन लेंगे तो आप खाना क्या खाएंगे? तो आहिस्ता आराम से 10 दिन के बाद में एक आयरन के टैबलेट और एक कैल्शियम के टैबलेट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको मिनिमम 3 मंथ्स तक लेनी होती है, क्योंकि आप कराते हैं बेबी को फीड। आयरन के टैबलेट से यदि आपको एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसे 1 महीने तक भी ले सकते हैं। कैल्शियम हम लोग इसलिए 3 मंथ्स तक बोलते हैं क्योंकि आप लैक्टेशन पे रहते हैं तो आपकी बॉडी के रिजर्व भी धीरे धीरे खत्म होते हैं। तो कैल्शियम के टैबलेट साथ साथ में विटामिन डी के टैबलेट यदि आपने
3 से 4 महीने पहले ली थी तो वो भी हफ्ते में एक बार 6 हफ्ते तक ले लीजिए। यदि आपको एडिशनली लेग क्रैम्प्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा नंबनेस रहती है, आपको लगता है कि टांकों की जगह पर सूनापन है, ये जो उंगलियां हैं इनमें सूनापन है, जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स की गोली, एल कार्निटिन की गोली, ये भी आप अपने डॉक्टर से एडिशनली प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। डिलीवरी के बाद में कई एलर्जिक चीजें जो है वो बढ़ जाती हैं, जैसे मुझे भी जुकाम हमेशा रहता था और डिलीवरी के बाद में रनिंग नोज जुकाम बढ़ गया क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। ऐसी कंडीशन में विटामिन सी की गोली जो होती है वो भी हम रूटीनली प्रिस्क्राइब करते हैं, आप वो भी एडिशनली दिन में एक बार या दो बार ले सकते हैं। कुछ चीजें जैसे भूख नहीं लगती तो आप एपेटाइजर्स ले सकते हैं, साइप्रोहेप्टेडिन के सिरप्स आती हैं। अगर आपको कलेजे में लिवर की जगह पर दर्द रहता है, आप जो हेपेटिक गोलियां होती है अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड, लिप 52, ये सब एडिशनल चीजें अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। साथ साथ में यदि आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही, तो वैसे तो नींद की गोलियां हम अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर ये एंग्जाइटी आपको दिक्कत दे रही है, आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आप कभी कभार डॉक्टरी परामर्श के साथ अपनी एंटी एंग्जाइटी की भी गोली आधी या एक ले सकते हैं। तो इस तरह से सिजेरियन के बाद का सारा मेडिकल किट मैंने समेट दिया, आपको बता दिया। नॉर्मल डिलीवरी के बाद में ये किट बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता क्योंकि इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, तो नॉर्मली 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। पेन किलर आपको 10 से 12 दिन तक भी लेना है तो ले सकते हैं क्योंकि नीचे के टाके बहुत दुखते हैं।